डिपार्टमेंट ने मनाया संविधान दिवस। जबलपुर पीएसएम कॉलेज में कांग्रेस लीगल सेल एंड ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान के विभिन्न विषयों पर अधिवक्ताओं और अतिथिगणों ने अपने विचार रखे। सबसे पहले वर्चुअल उद्बोधन राज्यसभा सांसद विवेक तंखा द्वारा दिया गया। उन्होंने संविधान की रूपरेखा अधिवक्ताओं के बीच में रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घंघोरिया और विधायक विनय सक्सेना रहे। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। अजी नहीं हो आ रहे क्या वो आ रहे क्या बोले सब नहीं आ रहे बाबा साहब ने देश के नाम पर भारतीय संविधान भारत के लोगों को समर्पित किया था। आज हमारा संविधान जो हम पढ़ते हैं देखते हैं सुनते हैं, जिससे भारत का पूरा प्रशासन चलता है, इस संविधान को बनने में लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे और आज ही के बाबा साहब ने यह संविधान बनाने की शुरुआत की। इसलिए हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके पहले हम इसको कानून दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 2015 के बाद से हम संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं। आप सभी लोगों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 नवंबर को आज पूरा देश संविधान दिवस के रूप में मनाता है। कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग द्वारा भी आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर आज एक पीएसएम कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संविधान विषय के विभिन्न विषयों पर विभिन्न आर्टिकल पर हमारे विद्वत अधिवक्ता जनों ने और आमंत्रित अतिथिगणों ने अपने विचार रखे। सर्वप्रथम वर्चुअल उद्बोधन हमारे राज्यसभा सांसद माननीय विवेक कृष्ण तनखा जी द्वारा दिया गया और उन्होंने संविधान की पूरी रूपरेखा आज पूरी हम अधिवक्ताओं के बीच में रखी कि किस तरह संविधान को सुदृढ़ रखा जा सकता है। साथ ही आज हमारे कांग्रेस विधि विभाग द्वारा जो जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यगण हैं पदाधिकारीगण हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया है। राज्य अधिवक्ता परिषद के जो हमारे सम्मानित निर्वाचित सदस्यगण उनका सम्मान समारोह रखा गया है एवं कुछ पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह भी हम कर रहे हैं। तो आज का दिन हम सभी संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं और सभी अधिवक्तागण आज यहाँ उपस्थित हुए और एक सफल कार्यक्रम हम लोगों का रहा। ब्रजेश दुबे, अध्यक्ष कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार विभाग।